नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर फूलबाग स्थित गांधी उद्यान में गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने राजनीतिक दल के प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और आमजन पहुंचे और महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पित की। ग्वालियर सांसद विवेक नारायण सेजवलकर ने इस अवसर पर लोगों को महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवन में उतारने की बात कही। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस आईटी सेल के जिला अध्यक्ष तरुण यादव ने नाथूराम गौर से मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। आज आप लोग गांधी जी को याद करने यहाँ पहुँचे हैं, लेकिन युवा कांग्रेस के लोग ये कह रहे हैं कि आप दोहरी मानसिकता के साथ बीजेपी काम करती है। उन्होंने नारेबाजी भी किया, हंगामा कि भारतीय जनता पार्टी को या हमारे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, राष्ट्र पुरुष हैं और उन्होंने जो सुशासन और राम राज्य का जो उन्होंने कल्पना की थी, अगर उसको सही मायने में जमीन पर उतारने का काम अगर किसी ने किया हो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है, चाहे प्रदेश में हो चाहे केंद्र में हो। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सुशासन का कीर्तिमान स्थापित किया और आदरणीय मोदी जी ने अपने संकल्प पूरा करते हुए इस देश में ऐसी कई बातें हुई हैं पिछले 7 वर्षों में जो आज तक कभी नहीं हुई। और सुशासन हमारा संकल्प है और ये हमारा ध्येय है। मेरा मानना सच्ची श्रद्धांजलि बापू को यही होगी। केवल नारेबाजी करने से और इस तरह ऊँची हरकतें करने से मैं नहीं मानता कि हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं। आज गोडसे को लेकर भी एक बड़ा कार्यक्रम कर रही हिंदू महासभा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं महात्मा गांधी की जयंती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सरकार से उसका कोई मतलब नहीं है। कानून अपना काम करेगा, अगर कोई भी कानून तोड़ता है या कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो किस तरह के आप देखिए। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो गोडसे के उपासक रहे हैं शुरुआत से, गांधी जी को सोशल मीडिया के माध्यम से भी और कई बार अपने वक्तव्यों के माध्यम से बुरा भला कहने का काम भाजपा के लोग करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं फिर किस अधिकार से आज गांधी जी को पूजने आए हैं ये लोग। और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का भी अमेरिका का दौरा था और वहां भी उन्होंने गांधी जी की प्रशंसा करी, हम बस केवल इतना पूछना चाहते हैं इन लोगों से कि एक तरफ तो ये गोडसे को पूजते हैं और दूसरी तरफ गांधी जी की प्रशंसा करते हैं और गांधी जी को पूजने आते हैं, जो कि बिल्कुल सरासर है। कम से कम एक व्यक्ति का चुनाव कीजिए, या तो हत्यारे को चुनिए या गांधी जी को चुनिए, हमारा केवल इतना मानना। आज क्या किया है आप? आज हमने इन लोगों का विरोध किया, नारेबाजी करी है, हमने ये नारे लगाए हैं कि बापू हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। ठीक है।